नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। हाल के दिनों में कई पाकिस्तानी क्रिकेटरों ने अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और कमेंटेटर रमीज राजा ने हाल ही में अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी, जिसमें तीन भारतीय खिलाड़ियों को जगह दी थी, लेकिन उस टीम में उन्होंने सिर्फ एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को जगह दी थी। अब पाकिस्तान के एक और पूर्व खिलाड़ी ने अपनी ऑल टाइम प्लेइंग 11 चुनी है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने वर्ल्ड क्रिकेट के एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को चुनकर अपनी ऑल टाइम बेस्ट प्लेइंग 11 बनाई है। अपनी ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटरों की प्लेइंग 11 में अफरीदी ने सिर्फ एक भारतीय खिलाड़ी को ही चुना है। अफरीदी ने जिस भारतीय खिलाड़ी को अपनी प्लेइंग 11 में चुना है उसका नाम सचिन तेंदुलकर है। शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान के ताबड़तोड़ ओपनर सईद अनवर को बतौर ओपनर बल्लेबाज प्लेइंग 11 में जगह दी है। शाहिद अफरीदी ने सईद अनवर की ओपनिंग जोड़ीदार के रूप में एडम गिलक्रिस्ट को चुना है। रिकी पॉन्टिंग को नंबर 3 पर और सचिन तेंदुलकर को नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए चुना है। अफरीदी ने नंबर 5 पर अपने पूर्व कप्तान इंजमामुल हक को चुना है। इंजमामुल हक को ही टीम का कप्तान भी बनाया है। अफरीदी ने अपने प्लेइंग 11 पर नंबर 6 पर ऑलराउंडर की भूमिका के लिए जैक कैलिस को रखा है। अफरीदी ने विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ को शामिल किया है। अफरीदी ने वसीम अकरम, ग्लेन मैकग्रा, शोएब अख्तर को बतौर तेज गेंदबाज चुना है। अफरीदी ने अपने प्लेइंग 11 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान स्पिनर शेन वॉन को एकमात्र स्पिन गेंदबाज के तौर पर जगह दी है। अफरीदी ने अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 में 5 पाकिस्तानी, 4 ऑस्ट्रेलियाई और साउथ अफ्रीका और भारत से एक एक खिलाड़ी को चुना है। शाहिद अफरीदी की ऑल टाइम प्लेइंग 11 इस प्रकार है। शहीद अनवर, एडम गिलक्रिस्ट, रिकी पॉन्टिंग, सचिन तेंदुलकर, इंजमामुल हक, जैक कैलिस, राशिद लतीफ, वसीम अकरम, शेन वॉन, ग्लेन मैकग्रा और शोएब अख्तर। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।